हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टार्टिंग में देखें तो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसका संपूर्ण सार यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया, काफ़ी छोटा चैप्टर है, कुछ ज़्यादा इसमें पॉइंट नहीं थे। आज मैं एक बार आपको उसको अटेंशन कराने वाला हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट का, आप देखते जाइए साथ साथ में ताकि आपको क्लियर हो जाए कौन से टॉपिक में अपने वो क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या उसके अंदर हैं। बाकी अपने पास में सिस्टमेटिकली नोट्स लिखे हुए हैं, अपने नोट्स भी हैं, साथ में आपके पास में बुक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अपने नोट्स हैं, जस्ट उसी तरह एनसीईआरटी पैटर्न है, उसी बेस पर मैं ज़्यादा समय लेते हुए आपको देखता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर अपने समराइज किए हैं। देख लीजिए आपको याद होगा, देखते हैं आपको चेक करते हैं कि आपको कितना याद है, कौन कौन से टॉपिक में क्या मैटर है। इस टाइप से अपने को याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। मृदा जो होती है उसकी विशेषता है, सबसे पहले अपन ने बात की थी, आपको याद होगा सबसे पहले मृदा से अपन ने स्टार्टिंग किया था। और मृदा में क्या था, मृदा शब्द जो सोलन सोयल जो कहलाती है, सोलन शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है, सोलन से, और सोलन से ही अपन ने कहा था। सोलन का क्या बताया था, फर्श क्या होता है, फर्श होता है। ये अपन ने पहले वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि मृदा की क्या क्या, मृदा के बारे में पढ़ा था कि मृदा में क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में अपन ने इसके बारे में बातें की थी। ये अपन ने मृदा के बारे में पहले वाले पॉइंट के अंदर पढ़ा है। शायद आपको याद होगा कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड होता है। जोफ्रे ने एक इसकी परिभाषा दी थी, इसके अलावा जो ब्रेंडी था उसके द्वारा एक परिभाषा दी गई थी, आपको याद होगा कौन सी परिभाषा है, कि प्राकृतिक पिंड होते हैं, कार्बनिक पदार्थों से बनता है, उनसे बनता है। ये दो परिभाषाएं वहां पर थी, तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी है मृदा के अंदर विशेषताएं क्या होती है, परिभाषाएं क्या थी। ये पहले वाले टॉपिक के ऊपर इसके बारे में पढ़ा था। ओके, फिर अपन ने बात की थी स्टूडेंट, आपको याद होगा कि मृदा के अवयव, और आपको अच्छे तरीके से याद होगा, एक डायग्राम याद आ रहा होगा इस टाइप से, ये वाला डायग्राम, ये इस टाइप से मैंने क्लासिफिकेशन किया था, आपको याद हो तो ऐसे क्या था कि नहीं, इस टाइप का एक डायग्राम बनाया था, इसमें अपने देखा था 45% ये होता है, 25% ये होता है, 25% ये होता है, 5% कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये मृदा वायु होती है, ये जलवायु होती है, ये वाले खनिज पदार्थ होते हैं। ये अपन ने मृदा के चार अवयवों के बारे में बात की थी, ठोस अवस्था में और द्रव या गैसीय अवस्था में कौन कौन से पाए जाते हैं। ये किसमें बात की थी, अपन ने मृदा अवयव के अंदर बातें की थी, याद आ रहा होगा आपको मृदा अवयव में कौन कितना परसेंट पाया जाता है, इनका थोड़ा थोड़ा अपन ने इसका वर्णन भी किया था। ओके, फिर अपन ने बात की थी स्टूडेंट, तीसरा अपना टॉपिक था बड़ा मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका का मतलब है मृदा प्रोफाइल, कहती है मृदा प्रोफाइल। अब आपको याद होगा मृदा प्रोफाइल के अंदर मैंने आपको डायग्राम भी दिए, जिसके अंदर मृदा प्रोफाइल के अंदर पीडीएफ में आपको याद होगा इस टाइप से मैंने लेयर्स बनाई थी। इस टाइप से लेयर आपको याद होगा ए लेवल, ये वाला ओ है, ए है, ये बी वाला स्तर था, ये सी वाला है, आर स्तर इसको बोलते हैं, ये लेयर्स, ये सही स्तर अपन ने जो बनाए थे, ये बनने वाला जो डायग्राम था इसके अंदर अपने देखा था, इसका नाम वगैरह भी अपने दिया था। ये किसमें आते हैं, मृदा परिच्छेदिका के अंदर आता है। स्टूडेंट ऐसे बड़ा सवाल बनता है कि मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, स्तरों के अंदर मृदा का जो सही स्तर होते हैं जो बनते हैं, लेयर्स बनती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मृदा परिच्छेदिका बोला जाता है, मृदा प्रोफाइल कहते हैं। कौन कौन से सही स्तर होते हैं, उनके नाम वगैरह क्या होते हैं, उनका अपन ने यहाँ से विस्तार से इसका वर्णन किया था। चट्टानी स्तर कौन सा कहलाता है, और स्तर को क्या बोलते हैं, उपजाऊ चित्र कौन सा होता है, कार्बनिक पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं, उन सब की बातें अपन ने इस वाले वीडियो के अंदर की थी। ओके, उसके बाद अपना नेक्स्ट थोड़ा सा टॉपिक था वो तो चट्टानें, और ये फिलहाल अपन ने पढ़ा था चट्टान कितने प्रकार की होती हैं, और आपको पता है चट्टानें तीन प्रकार की थी, कौन सी थी चट्टानें अपन ने पढ़ी थी, तीन प्रकार की चट्टानों के बारे में बात की थी, याद होगा आपको कौन कौन सी, आग्नेय चट्टान, दूसरी कौन सी थी औसादी, और तीसरी कौन सी थी कायंत्री चट्टान। इनके बारे में अपन ने बात की चट्टानों की, ये चट्टानों के प्रकार भी पढ़े थे, एग्जांपल्स भी पढ़े थे, आग्नेय चट्टान कैसे बनती हैं, सबसे कठोर होती हैं, 95% आग्नेय चट्टानें होती हैं, बाकी अवसादी और कायंत्री चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानों के बारे में पढ़ा था, तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं। स्टूडेंट्स आपको याद आ रहा होगा चट्टानों के प्रकार हैं कौन कौन से होते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था स्टूडेंट्स, आपको याद हो एक लंबा सा टॉपिक चला था चट्टानों का अपचय, क्या पढ़ा था अपन ने, चट्टानों का अपचय पढ़ा था, और आपको याद हो चट्टानों के अपचय की तीन मैंने प्रकार बताए थे, कौन कौन से, भौतिक अपचय कौन सा पढ़ाया था मैंने आपको, भौतिक अपचय, उसके बाद कौन सा पढ़ाया था आपको याद हो, रासायनिक,
कौन सा पढ़ाया था? रासायनिक अपचय। उसके बाद में कौन सा पढ़ाया था मैंने? जैविक अपचय। ये तीन अपचय के अपन ने बात की थी, आपको याद आ रहा होगा। चट्टानों के अपचय के तीन कारण भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक में कौन कौन से कारक होते हैं? ताप, दाब वगैरह जो थे अपन ने पढ़े थे भौतिक में। रासायनिक में कौन कौन से होते हैं? ये अपन इसके अंदर पढ़े थे, जल अपघटन वगैरह होता है, विलयन होता है, निक्षालन है, प्रक्षालन वगैरह की प्रक्रिया है, वो सारी इसमें पढ़ी थी अपन ने, चट्टानों के अपचय के अंदर पढ़ी थी। और जैविक कारकों में आपको याद हो पेड़ पौधे वगैरह है या पौधे हैं उनकी बात की थी। और इसके अलावा सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं वो किस में आते हैं? जैविक कारकों के अंदर अपन इसकी बातें की थी। ओके, ये था अपना चट्टानों का अपचय वाला चैप्टर पार्ट है। उसके बाद अपन ने बात की है स्टूडेंट्स खनिज, जो खनिज होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, वो उनके कितने प्रकार होते हैं? आपको याद होगा इसमें पहले पढ़ा था प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज जो होते हैं उनके बारे में बात की थी उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा अपन ने बात किया था रासायनिक संगठन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के थे रासायनिक संगठन के आधार पर। कौन कौन से थे वो स्टूडेंट आपको याद आ रहा होगा। उसके बाद लास्ट में स्टूडेंट अपन ने बात की थी चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक अपने पास में था वो कौन सा था? मृदा निर्माण। मृदा निर्माण को कैसे होते हैं, किस प्रकार की प्रक्रिया इसके अंदर अपनाई जाती है मृदा निर्माण के अंदर, वो अपने पढ़ा था ह्यूमिडिफिकेशन। इसके अलावा आपको याद होगा ह्यूमिडिफिकेशन के बाद अपन ने पढ़ा था इसमें लेटराइजेशन होता है वो कैसे होता है, निक्षालन है, प्रक्षेपण की जो विधियां थी वो पढ़ा था, कार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलीकरण था, ये सारे प्रोसेस अपन किसमें पढ़े थे? मृदा निर्माण में। और लास्ट में जाके अपन पढ़ा था कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से कारक अभी जोफे के अनुसार अपन ने पढ़े 2 कारक, सक्रिय और निष्क्रिय कारक, टोटल मिला कितने थे? 5 कारक थे जोफे के अनुसार। सक्रिय में कौन कौन से थे? जलवायु कारक और जैवमंडल वाला कारक अपन ने पढ़ा था। और निष्क्रिय में कौन कौन से थे? पैतृक कारक था, इसके अलावा स्थलाकृतिक थी, और तीसरा कौन सा था? समय। ये अपन ने स्टूडेंट इसके अंदर अपन ने देखा था कि कौन कौन से कारक यहाँ पर प्रभावित करते हैं। आई थिंक स्टूडेंट सबसे इजी चैप्टर है, आसान है, मिट्टी को अगर अपन अच्छे तरीके से समझ गए अगले वाले जो अपने चैप्टर हैं वो बड़े ही आसान होने वाले हैं। अगर मिट्टी की अपने को संरचना से ढंग से आती है, मिट्टी की प्रक्रिया अपने को अच्छे समझ में आती है कि मिट्टी बनती कैसी है, नॉर्मल चीज़ें हैं अगर अपन यहाँ से समझ गए तो आगे वाले जो पार्ट हैं केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जो अपन पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 में जीवांश पदार्थ वगैरह हैं उन पदार्थों को अपन आसानी से समझ सकते हैं अगर अपन ने यहाँ पर जो टेक्निकल वर्ड यूज किए हैं, जीवांश क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, होमोस क्या होते हैं, तो आसानी से अपना बड़ा आसान होने वाला है। ज़्यादा बड़ा अपना चैप्टर नहीं है, अगले वाला जो चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे उससे पहले अपन जो इसमें क्वेश्चंस वगैरह जो बनते हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर उनकी बातें भी अपन करेंगे। यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है एग्जाम पैटर्न पे अपने को मिलने वाले, छोटे क्वेश्चन किस टाइप से रहेंगे, बड़े क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, उनको मैं आपको क्वेश्चन मैं आपको PDF के अंदर देने वाला हूँ, वहाँ से आप उसको समराइज करेंगे, वहाँ से देखेंगे उनके आंसर्स, आप लोग नोटबुक के अंदर लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है फिर आप उसकी हिसाब से आपको देखा जाएगा जिस टाइप से उनकी व्यवस्था होती है उस हिसाब से मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आप लोग इन वीडियो को लाइक करें, ठीक है, इनको शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ में ताकि जो इनको पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है अपना जो पार्ट है इसमें लगभग 2 पार्ट डिवाइडेशन है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर एक ही बुक है NCERT पैटर्न, इस बार बुक्स आई हैं आप सभी जानते हैं, तो NCERT जो बुक्स हैं उन बुक्स को ही अपने को यूज़ करना है, 1-to-1 है, एक एक लाइनों के हिसाब से अपने को चलना है, थोड़ा सा पैटर्न अलग है, बुक्स में लिखा हुआ प्रोसेस भी अलग है, काफ़ी इजी लैंग्वेज लिखी हुई आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाएं, लिखते जाएं उनको, और साथ में आप जो बुक है उसकी भी हेल्प लेते जाएं ताकि अपने सिस्टमेटिक ढंग से कोई अगर टॉपिक छोटा मोटा रह जाता है तो साथ में आप बुक की हेल्प लें, वहाँ से भी आप लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प लेके नोट्स के अंदर उसको लिखते जाएं ताकि सिस्टमेटिक ढंग से अपने नोट्स बन जाएं तो अपने को बाद में जा करके उसको रिविजन करने में बिल्कुल कतई परेशानी नहीं होगी। आई थिंक ये सबसे सुटेबल रहेगा, कहाँ क्या क्वेश्चन बस वगैरह बनते हैं बस सब आपको चैप्टर के साथ लिखवाने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप मस्त रहें, आराम से पढ़ाई करें, इसकी बेटर तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से सिलेबस को समझें, इस वाले चैप्टर में क्या है, कोई ज़्यादा बड़ा मैटर अपने पास में नहीं है, सिस्टमेटिक चलेंगे तो आराम से अपना धीरे धीरे सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जुड़े रहें, थैंक यू सो मच।